नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस से यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत दिनों से आपके मन में ऐसे डाउट हमेशा आते रहते हैं कि ये जो बंदा हमारे सामने दिखता है जाली है, फेक है, मोदी जी जैसा फेकू है, मतलब कि बहुत सारे आपके दिमाग में ये बातें चलती रहती है। समय समय पे आपके कमेंट भी आते हैं, इस तरह के कमेंट भी आते हैं कि सच में जॉब करते हो या ऐसे ही मतलब हवाबाजी करते हो। देखिए, कोई अगर रियलिटी में कुछ करता है और फिर भी उस पर प्रश्न लगाए जाते हैं तो थोड़ा अंदर से तो लगता है कि यार जो मैं हूँ उस पर भी उंगली उठाए जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ये समय समय पे तो होती रहती है। अगर आप किसी को पर्टिकुलरली नहीं जानते हैं और डायरेक्टली कहीं फेस कर लेते हैं तो तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं कि ये कैसा है, ये कैसा नहीं है, मतलब कि ये जो बोलता है वो सही है या नहीं है। तो जब से मैं ये बताता हूँ कि मैं रेलवे एम्प्लॉई हूँ तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि ऐसे ही बोल बोल के मज़े लेते रहते हैं, मतलब कि होते होते है नहीं, क्योंकि कुछ दिखाते वगैरह तो है नहीं, सिर्फ बोलते रहते हैं कि आप रेलवे एम्प्लॉई, मैं रेलवे एम्प्लॉई हूँ या ये वो, मतलब कि फेंकते रहते हैं। तो उन्हीं में से आज मैंने देखा एक कमेंट आया हुआ था और उसमें तगड़े लेवल का फाइट भी अंदर कमेंट में चल रहा था, बहुत सारे बच्चे फाइट भी कर रहे थे। हालांकि लड़की का कमेंट था तो ऑब्वियस है कि समझ गए होंगे, बाकी तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए, जो मेरे बारे में आपके अंदर जो गलत परसेप्शन बना हुआ है कि रियलिटी में मैं क्या हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ, आगे का क्या मेरा व्यू है, तो ये सब चीज़ें मैं समय समय पे डिस्कस करते रहता हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि अचानक कोई आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, एक दो वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग परसेप्शन बना लेते हैं मेरे बारे में कि ये है जो सही है या गलत है, ठीक है। कुछ कमेंट भी कर देते हैं, हाँ वो अलग बातें हैं। कुछ ऐसे भी कमेंट होते हैं जो कि सिर्फ आपको इग्नाइट करने के लिए किए जाते हैं ताकि आप अपने बारे में बताओ। तो मैं कितना हर बार अपने वीडियो में बारे में बताऊंगा यार, यही तो सोचने वाली बात है ना कि हर वीडियो में मैं ये बताऊं कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो आप भी बोर हो जाएंगे। आपको हमारे चैनल से स्टडी रिलेटेड चीज़ें गेन करनी है। बार बार मैं यही बताऊं कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो आप भी बोर हो जाएंगे, कल आप भी गाली देना चालू करेंगे। तो इसीलिए मैं अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताता हूँ। मैं जो सोचता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ वो चीज़ें आप ज़्यादा गेन करें। मैं क्या हूँ वो चीज़ें से आपको कुछ होने वाला नहीं है। मैं सपोज कल होके कुछ और बन जाऊंगा तो उससे आपका स्टडी इन्हेंस नहीं हो जाएगा, आप कहीं और ऊंचे पोस्ट पे नहीं चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं अपने बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताता हूँ, लेकिन फिर भी इस तरह के जब कमेंट आते हैं तो थोड़ा लगता है कि चलो ठीक है, समय समय पर बता दिया करूँगा। लेकिन अगर आपको मेरे बारे में पता है तो जहाँ पर भी किन्हीं भाई का, किन्हीं बहन का डाउट होता है कि सर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो उनको आप रिप्लाई दे दिया करेंगे, क्योंकि मैं बार बार रिप्लाई दूंगा तो वीडियो बन जाएगा और वीडियो बनेगा तो सिर्फ बोर ही होंगे। तो चलिए ठीक है, आज प्रूफ के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में मैं हूँ भी या नहीं हूँ रेलवे एम्प्लॉई। देखिए, मेरे पास दो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको अगर दिख रहा होगा तो क्लियरली तो नहीं दिखेगा, लेकिन मैं आपको दिखा दूँगा बाद में भी अगर आप व्हाट्सएप या ईमेल से मांगेंगे। तो यहाँ पे एक मेरा है अपॉइंटमेंट लेटर, आप यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, देखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्पररी अपॉइंटमेंट। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जो कि कभी जॉब नहीं किए हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि टेम्पररी अपॉइंटमेंट है यानी कि 10-20 दिन के लिए आपको अपॉइंट किया गया होगा। तो मेरे दोस्त, जब भी आपको ज्वाइनिंग कोई भी गवर्नमेंट जॉब में मिलती है तो टेम्पररी अपॉइंटमेंट होती है। कुछ दिन आपका जो टाइम होता है वो प्रोविजन पीरियड होता है, यानी कि आपको कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है। कुछ ऐसे टाइम होते हैं कि इतना दिन तक आपको टेम्पररी रखा जाता है, उसके बाद आप परमानेंट हो जाते हैं। तो ये रूल है गवर्नमेंट का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब कि ये होता ना ठीका पर इस तरह का, वो नहीं होता है। जब भी आपको कोई भी अपॉइंटमेंट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से तो वो टेम्पररी ही होती है, कुछ दिन के लिए, उसके बाद परमानेंट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा ही लिखा रहता है। तो देखिएगा, आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ। देखिएगा, ऑफिस ऑफ सेंट्रल मैनेजर मालेगांव डेटेड, और ये जो अपॉइंटमेंट है वो ब्रिज डिपार्टमेंट का है। ये मैं अक्सर बताते रहता हूँ कि ब्रिज डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा हूँ। तो ये तो थी अपॉइंटमेंट लेटर, जो कि आपको विश्वास नहीं हो रहा था इसलिए मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं ये सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ या मेरी डिजिग्नेशन क्या है, ये सब चीज़ों पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे डिजिग्नेशन से अगर आपका सिलेक्शन होता तो मैं सिर्फ डिजिग्नेशन पर ही रोज़ वीडियो बनाता। तो इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो मैं वीडियो बनाता हूँ आपके मोटिवेशन के लिए, उससे आपका सिलेक्शन होगा। जो मैं वीडियो बनाता हूँ जीके या मैथ्स जो भी रीजनिंग के लिए, उससे आपका सिलेक्शन होगा। इस तरह से हम अपने बारे में शो करें तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, मेरा भला हो जाएगा कि वीडियो ज़्यादा लाइक होंगे, ज़्यादा मतलब कि सब्सक्राइबर जुड़ेंगे, तो मेरा भला हो जाएगा। तो मेरा पर्पस, मैं अपना भला नहीं चाहता हूँ मेरे भाई,
आपका भला हो वो मैं चाहता हूँ। अब देखिएगा ये सैलरी स्लिप है भाई, ठीक है, ये गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के सैलरी स्लिप दिए जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे इंडिया रेलवे का मोहर वगैरह बजाबते लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे पता नहीं DAPA जो जुड़ता है ये सब पे मैं फोकस भी नहीं करता हूँ, क्योंकि पैसे पे मेरा इंटरेस्ट ही नहीं रहा। पैसा मुझे लगता है ना यार, काम करोगे तो पैसा खुद आएगी, ठीक है, तो मेरा फोकस काम पर होता है। काम मतलब कि मेरा कुछ अलग एम है यार, वो मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा, डिस्कस करेंगे। तो ये देखिएगा सैलरी स्लिप है, इस तरह के आप अगर जॉब करेंगे तो आपको इसी तरह के सैलरी स्लिप मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें तो शो ऑफ करने वाली चीज़ है, जो कि मैं अक्सर नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया कि यार मतलब कि अब कभी आप DNA टेस्ट भी मांग लोगे यार। चलो ठीक है, आपको अगर फिर भी विश्वास नहीं होता है, ये डॉक्यूमेंट्स से भी आपको विश्वास नहीं होता है, तो इंडिविजुअल फिजिकली आके आप मुझे मिलो, आप रंगापाड़ा आओ, आपको मैं बताता हूँ कहाँ से आना है। रंगिया डिवीज़न है, रंगिया एक स्टेशन भी है, वहाँ से आप रंगापाड़ा नॉर्थ आओगे, वहाँ पे आप ब्रिज डिपार्टमेंट में किसी से भी पूछोगे, मनीष है मेरा नाम, कोई भी बता देगा, ठीक है। तो आपको अगर फिर भी विश्वास नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये आपका लास्ट ऑप्शन होगा मुझ पे बिलीव करने के लिए, ठीक है। तो आशा करते हैं, अब तो मुझे लग रहा है कि बिलीव हो ही गया होगा कि मैं रेलवे एम्प्लॉय हूँ। फिर भी अगर नहीं बिलीव है तो भाई केजरीवाल का तो कभी भी कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, बुरा मत मानिएगा, केजरीवाल किसी को पर्टिकुलर नहीं कह रहे हैं, बस क्योंकि आपसे मजाक नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, क्योंकि आप ही लोग तो हमारे भाई बंधु हैं, ठीक है। तो ठीक है, आशा करते हैं आपको ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स दिखाया उससे आपको थोड़ा सा तसल्ली तो मिला होगा कि जो बंदा सामने बैठा है, जो सामने से बोलता है, वो जेन्युइन है भी या नहीं है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।